हेलो फ्रेंड्स, वंस क्या तुम्हें पता है कि इस साल का ऑस्कर किस किस को मिला है? अगर नहीं तो फिकर नहीं लेने का, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि ऑस्कर किस किस को मिला है और किस किस कैटेगरी में मिला है और कौन कौन सी फिल्मों को मिला है। मगर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले मैं मोटिवेशन स्टूडेंट्स का थैंक यू करना चाहता हूँ मेरी वीडियो के नीचे कॉमेंट करने के लिए, तो थैंक यू सो मच। यार तुम लोग तो कॉमेंट करते ही नहीं, कॉमेंट किया करो ताकि अगली वीडियो में मेरे को तुम्हें भी थैंक यू कहने का मौका मिल पाए। और फ्रेंड्स, इस बार उस फिल्म ने बाजी मारी है जिस फिल्म को देखने के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ी थी। चल अभी तुम्हारे बड़े से जहन में छोटी सी बात आ गई होगी कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओपेनहाइमर फिल्म की, जो फिल्म साला 7 ऑस्कर जीत चुकी है। और फ्रेंड्स, इस फिल्म के हीरो जिनको हम बुलाते हैं सिग्मा मेल, किलियन मर्फी को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। एंड द ऑस्कर गोज टू किलियन मर्फी। नो, वी मेड अ फिल्म अबाउट द मैन हू क्रिएटेड द एटॉमिक बम एंड For better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate this to the peacemakers everywhere. और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला हम सब के प्यारे जिनको हम आयरन मैन रोल में देखने के लिए तरस गए हैं, ओनली ऑन टोनी स्टार्क एक रॉबर्ट डॉनी जूनियर। साला इतने बड़े एक्टर बन गए फिर भी नाम के आगे जूनियर ही लगता है। एंड द ऑस्कर गोस टू रॉबर्ट डॉनी जूनियर। और फ्रेंड्स, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। और फ्रेंड्स, एक और फैक्ट, इनको अपनी जिंदगी में पहली बार ऑस्कर मिला था। हाँ, इनकी फिल्मों ने बहुत से ऑस्कर जीते मगर इन्होंने पहली बार ऑस्कर जीता है। और फ्रेंड्स, इनकी इस खुशी के लिए एक लाइक मार दो। और फ्रेंड्स, बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला है एमा स्टोन को। और इनका ये पहला ऑस्कर नहीं है, इनको इससे पहले भी ऑस्कर दिया जा चुका है। This is really overwhelming. और ये तो इतनी खूबसूरत है कि हॉलीवुड वाले बार बार इनको बुला के ऑस्कर ही दिए जा रहे हैं। अभी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम उन एक्टर्स की बात करते जिन्होंने नॉमिनेशन के लिए नाम तो दिया मगर बेस्ट एक्टर का ऑस्कर नहीं ले पाए। नंबर वन पे आता है ब्रैडली कूपर का, जिन्होंने अपना नाम माएस्ट्रो मूवी के लिए दिया था। नंबर टू पे नाम आता है कॉमन डोमिंगो, जिन्होंने अपना नाम रस्टन मूवी के लिए दिया था। और नंबर थ्री पे नाम आता है पॉल का, जिन्होंने अपना नाम द होल्डर्स मूवी के लिए दिया था। और आखिरी में नाम आता है जर्फी का, जिन्होंने अपना नाम अमेरिकन फिक्शन मूवी के लिए दिया था। चलो अभी इन नॉमिनेशन वालों के जले पे नमक नहीं छिड़कते बल्कि उन मूवीज की बात करते जिन्होंने जीते हैं ऑस्कर। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पे आते हैं द बॉयज एंड द हीरो, जिन्होंने जीता है ऑस्कर बेस्ट एनिमेशन के लिए। और नंबर टू पे मूवी आती है द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। और फ्रेंड्स, इस मूवी ने जीता है ऑस्कर बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का। और इसके बाद आती है गॉडज़िला 1 मिनट, जिसने ऑस्कर जीता है बेस्ट विजुअल इफेक्ट का। और फिल्म्स इसके बाद आती है अमेरिकन फिक्शन, जिससे ऑस्कर जीता है बेस्ट एडेप्टेशन स्क्रीन प्ले के लिए। चलो खैर, इसके एक्टर ने ऑस्कर नहीं जीता मगर ये मूवी तो ऑस्कर ले आई। और इसके बाद आती है पुअर थिंग, जिससे ऑस्कर जीता है बेस्ट मेकअप का। और फिल्म आखिरी में आती है द जोन ऑफ इंटरेस्ट, जिस मूवी को ऑस्कर मिला है इसके बेस्ट साउंड के लिए। और फिल्म, अगर तुम भी मुझे ऑस्कर देना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेगा आपसे नेक्स्ट इसी तरह एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।